हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलेस किचन। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में हुई घंटी को दबा दीजिए। आज हम बनाएंगे भरे हुए बैंगन। भरे हुए बैंगन बनाने के लिए चाहिए हमें 500 ग्राम बैंगन, 1 कप ऑयल, 2 टेबलस्पून मिर्च, 1.5 टेबलस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून गर्म मसाला, स्वाद अनुसार नमक, लहसुन की 5-6 कलियाँ, थोड़े से सिंगदाने, 1 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, चुटकी भर हींग। भरे हुए बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए उसका मसाला। मसाला बनाने के लिए चाहिए हमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरा धनिया, उसके बाद थोड़ी सी सींग, लहसुन की 5-6 कलियाँ। सारे मसालों को अच्छी तरह से हम कूट लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से बारीक कटा हुआ हो जाए उसके बाद सारे मसाले हमने अच्छी तरह से भून लिए। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च डालिए, 1.5 टेबलस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक, 1 टमाटर। सारे मसालों को अच्छी तरह से हम कूट लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से हम कूटने के बाद उसकी हम अच्छे से पेस्ट बना देंगे। बैंगन मसाला बनाने के लिए हमारी पेस्ट रेडी है। बैंगन को हमने इस तरह से काट लिया है। अब इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। सारे बैंगन में हम इसी तरह मसाला भरेंगे। सारे बैंगन में मसाला भर के रेडी है। अब हम इसे बनाएंगे। बैंगन बनाने के लिए हमने कुकर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहो तो कढ़ाई में भी बैंगन बना सकते हो। हमारा तेल गर्म हो गया है। इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम उसके अंदर थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग खाने के लिए बहुत अच्छी होती है, उससे हमारा डाइजेशन हो जाता है। हींग डालने के बाद हम भरे हुए बैंगन डालेंगे। तो गैस की आंच हम थोड़ी सी धीमी रखेंगे। अगर ज़्यादा फास्ट रखेंगे तो उससे हमारे बैंगन जल जाएंगे। सारे बैंगन को हमने डाल दिया है। 2 मिनट तक हम उनको धीमी आंच पे पकने देंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से पक गए। इसके अंदर हम 1 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम बैंगन को हिलाएंगे नहीं। बैंगन को हिलाने से सारे मसाले बाहर निकल जाएंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 2 सीटी से ज़्यादा अगर बच करेंगे तो हमारे बैंगन गल जाएंगे। कुकर की 2 सीटी हो गई है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। हमारे बैंगन बनके तैयार है। बने हुए बैंगन को आप सर्व करने के लिए किसी बाउल या किसी प्लेट के अंदर रख सकते हो। अगर उसके साथ गर्म गर्म पराठा या रोटी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब हमारा बैंगन बनके तैयार है। आप देख सकते हो हमारा बैंगन कितना अच्छा बना है और बिल्कुल गला नहीं है। अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर मेरी रेसिपी तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।